जी तो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। दोबारा इसलिए बार बार कह रहा हूँ, बच्चे अपने टाइम को ज़ाया मत करें। ईद की छुट्टियाँ तो हो ही हैं, तो इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए यकम को मैंने कहा था, तो यकम तक तो ईद की छुट्टियाँ हैं। सेकेंड को आपको पता है संडे की छुट्टी है, और 3 जुलाई से इंशाल्लाह नई क्लासेस स्टार्ट होंगी। बी ए स्पेशल इंग्लिश, इनकी तैयारी नहीं है वो, और बी कॉम पार्ट 1 और 2 के वो तमाम सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी, ये सब चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पर तैयार करवाया जाएगा। जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी वो मेरी तरफ़ से होंगी, और गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक हो गया? तो जिन बच्चों की भी ज़ीरो तैयारी है, उनको ये भी नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, तो बच्चों वो सीरियस हो गए, पहले ही अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ठीक हो गया? तो ये ग्रुप क्लास में होगा, जिसमें स्टूडेंट को सारे काम करवाए जाएंगे, क्योंकि टाइम कम है। अब पेपर बच्चों 31 जुलाई को हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। अगर हो गए तो आपके पास बहुत कम टाइम है। ठीक हो गया? तो इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट आए जिन्होंने बाकी तैयारी करनी है। बार बार कह रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि जी आप रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, तो आप फिर यहाँ पे कांटेक्ट ना करें। सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो बच्चे 3 सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल के भी पढ़ेंगे, उनको थ्योरी के जो है गेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन टेस्ट सेशन, यहाँ पर टेस्ट लाजमी दे रहे हैं। टेस्ट की सूरत पर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टूडेंट को सारे मेथड बताए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स की तैयारी करवाई जाती है, चाहे बी कॉम पार्ट 1 का कोई सब्जेक्ट हो या 2 को, सारी चीज़ें। बी इंग्लिश में जो तैयारी करवाई जाती है वो प्रेसी प्लस डायलॉग और टेंसेस, उसके बाद जो याद करने वाला काम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, साथ जो है मटेरियल भी दिया जाता है। आपका काम सिर्फ तैयार करना है, जो जो मैं देता जा रहा हूँ उसको करें, जो जो मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करें, तो जब आप वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए टाइम को वेस्ट मत कीजिए, सोचने का टाइम नहीं है।